नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको दिखाएंगे हल्दी घाटी में स्थित महाराणा प्रताप की गुफा, जो कि चेतक स्मारक से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की एक प्राचीन गुफा है, जिसके दर्शन अभी हम करने वाले हैं। यहाँ पर ये बोर्ड में आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं और गुफा को देखते हैं। तो ये है वो प्राचीन गुफा जहाँ पर महाराणा प्रताप रहा करते थे। ये भी एक तरह का मिट्टी का ही बना हुआ स्ट्रक्चर है। दिखने में थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि लावा का है, लेकिन लावा का नहीं है। ये भी उसी तरह की पीली मिट्टी है जैसे कि आपने हल्दी घाटी में देखी, लेकिन अभी इसका थोड़ा पॉल्यूशन की वजह से या फिर वेदर चेंज की वजह से थोड़ा कलर बदल चुका है। और अंदर से भी जो इसके आर्किटेक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो सभी मिट्टी के हैं। और यहीं पर महाराणा प्रताप रहा करते थे जब वो जंगलों में विचरण कर रहे थे, जब वो अपनी सेना तैयार कर रहे थे। अगर ऐतिहासिक तौर पर कहा जाए तो ये वह जगह है जहाँ पर महाराणा प्रताप का स्थान था जब वो जंगलों में रह रहे थे। ये वो जगह है जहाँ पर वो घास की रोटी वगैरह बनाया करते थे, और वो बिलाऊ उनकी रोटी ले गया था उनके बच्चे से छीन कर, तो बच्चे को समझा रहे थे। वो जो हमने किताबों में, कहानियों में ये चीजें सुनी है, वो जगह यही है। ये देखिए, ये है गुफा का अंदरूनी भाग। देखिए, बिल्कुल प्राकृतिक, बिल्कुल नेचुरल तरह से ये गुफा बनी हुई है। यहाँ से आप स्ट्रक्चर देखकर बड़ी आसानी से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, इस गुफा को देखने काफ़ी सारे लोग आया करते हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाने वाले हैं गुफा के अंदर मौजूद वो गुप्त रास्ता, वो सीक्रेट वे, जो कि बहुत दूर जाकर खुलता है। कई लोग कहते हैं कि ये एकलिंग जी जाकर खुलता है, कई लोग कहते हैं कि ये नाथ द्वारा जाकर खुलता है, लेकिन एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है ये कि कहाँ जाकर ये खुलता है। लेकिन ये रास्ता बहुत ही लंबा है, बहुत ही दूर तक ये जाता है। वैसे अब सेफ्टी पर्पज़ के लिए सुरंग को, इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। एक पॉइंट तक ही हम जा सकते हैं, उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर यहाँ से आप देखिए, ये टनल बहुत ही लंबी है, बहुत ही बड़ी है। आपको यहाँ जो आगे अंधकार नज़र आ रहा है, वो इस सुरंग का अंदरूनी भाग है। देखिए, थोड़ा सा हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सुरंग का अंदरूनी भाग है। देखिए, यहाँ तो एक डोर लगाया गया है, बाद में लगाया गया था ये तो, लेकिन यहाँ से ये सुरंग अंदर की ओर प्रवेश करती है। देखिए, बहुत ही लंबी सुरंग है। अंदर आपको अंधकार जितना नज़र आ रहा है, वहाँ से ये सुरंग का रास्ता आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो देखिए, ये है वो सुरंग जिससे महाराणा प्रताप ट्रैवल किया करते थे गुप्त रूप से। यहाँ पर एक आश्रम स्थापित किया है महाराज ने, जो कि यहाँ पर एक यज्ञशाला के रूप में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, यज्ञशाला है और यहाँ पर महाराज जी का बैठने का स्थान है, और यहाँ पर है माता जी का मंदिर। देखिए, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए, इस गुफाओं में यहाँ पर बजरंग बली की मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पर हम नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर गणेश जी को स्थापित किया गया है, और यहाँ से बिल्कुल नेचुरल व्यू आप देखिए। ऊपर की साइड आप व्यू देखिए, कितना सुंदर सा नज़ारा है। ऊपर की तरफ आप पहाड़ के ऊपर पेड़ पौधे देख पाएंगे। पहाड़ बोलें इसे या फिर एक गुफा बोलें, इसके ऊपर आप पेड़ पौधे देख पा रहे होंगे। और यहाँ से ये देखिए, कितनी सुंदर सी ये गुफा नज़र आ रही है। देखिए, इस गुफा को हम थोड़ा सा अच्छे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ही नेचुरल स्टेट में ये गुफा है, और आपने अंदर की जो गुफा देखी, बहुत ही दुर्लभ गुफा है। पता नहीं कहाँ जाकर वो गुफा खुलती है। बिल्कुल ही सीक्रेट तौर से महाराणा प्रताप इस गुफा से ट्रैवल किया करते होंगे। गुफा से जुड़ा हुआ शिव जी का एक स्थान है जो कि बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा झरना भी बह रहा है। यहाँ पर तो शंकर भगवान, गणेश जी और माता पार्वती हैं जो हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ से हम नमन करते हुए आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा झरना है, बिल्कुल नेचुरल पानी का स्रोत है जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से हमें यहाँ पानी का स्रोत है जो नज़र आ रहा है। ये एक पेड़ है जो कि बहुत ही प्राचीन है, बरगद का पेड़ है, जिसके जो लटाएं हैं, जो जड़ें हैं, वो नीचे की ओर आ रही हैं। और ये जो पानी का जो जल स्रोत है, वो नीचे की ओर यहाँ कुंड में भर जाता है, और फिर धीरे धीरे करके ये जो कुंड है, देखिए एक छोटा साइज है, फिर उससे बड़ा साइज है, और फिर ये बड़ा साइज बन के यहाँ कुंड से पानी बाहर की ओर चला जाता है। तो ये थी महाराणा प्रताप की प्राचीन गुफा। हल्दी घाटी में और भी कई सारी जगह हैं जो कि आपको देखनी चाहिए, जिनके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।